पर्वत जीवन है, पर्वत नहीं तो जल नहीं, और जल नहीं तो जीवन नहीं। कहते हैं कि जब तक माता पार्वती की कृपा ना हो तब तक शिव का सानिध्य मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि कुछ है, कोई एनर्जी है, कोई वेव्स है, कोई तरंगे हैं जो आपको अप्रोच कर रही है, कुछ शक्तियाँ होती हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे, और आज मैं हूँ यहाँ पे कलगा में। कलगा हिमाचल में एक ऐसी जगह है, कुल्लू से ऊपर है, काफी ऊपर है, कि इसको पार्वती वैली बोलते हैं। और यहाँ पर एक मतलब ये मानिए कि इस वैली में, इसको पार्वती वैली इसलिए बोला गया है कि चारों ओर जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे पार्वती से ही संबंधित है। जैसे बासुकी ताल है, शिव ताल है, मानतलाई है, खीर गंगा ट्रैक है, इंद्रासन पर्वत है। इंद्रासन पर्वत बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी लगभग 6000 मीटर के आसपास है इंद्रासन पर्वत। और इंद्रासन पर्वत के बारे में कहा गया है कि स्वर्ग का द्वार भी है। और जो आप ये व्यू देख रहे हैं ना, ये पार्वती वैली का, यहाँ की एक बड़ी खास चीज है, मैं जो देख पा रहा हूँ, आप लोगों को जो दर्शन करवा रहा हूँ यहाँ का, विशेषता ये है कि इस जगह पे आने के लिए गाड़ी का, मोटर व्हीकल का कोई साधन नहीं है। और ये ऐसी जगह है कि आध्यात्मिक तौर पर आप यहाँ आएंगे तो कई बार होता है कि हम अध्यात्म को पकड़ते हैं, लेकिन अध्यात्म यहाँ आपको पकड़ता है। क्यों कि चिड़ियों की आवाज, बीटल्स की आवाज छोड़ के कोई दूसरा आवाज सुनने को नहीं मिलेगा, दूर दूर तक आदमी नहीं। यहाँ आने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है, नीचे से कोई गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ पे पैदल आना पड़ता है। तो अद्भुत जगह है अपने आप में। और सावन के महीने में पर्वतों में मेडिटेशन करना, बैठना, अद्भुत चीज है। मैं तो चूंकि कई दिन से यहाँ पेंटिंग बना रहा हूँ भगवान शिव के, सावन का महीना है, शिव के श्रृंगार में डूबे हुए हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, सेवों का बाग है। लेकिन जो विशेष चीज है यहाँ की, परम शांति, जो कामनेस है, अद्भुत है। और यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि कुछ है, कोई एनर्जी है, कोई वेव्स है, कोई तरंगे हैं जो आपको अप्रोच कर रही हैं, कुछ शक्तियां होती हैं। शहरों में बैठ के ये चीजें नहीं मिल पाती, कभी नहीं मिल पाएगी, चाहे जितना अध्यात्म हो, कुछ भी हो, शहरों में ये पर्वतों वाली चीजें नहीं मिल पाएगी। आप कुछ भी करें, कोई मतलब कितनों वहां पे अध्यात्म करें, कुछ भी करें, लेकिन जो आध्यात्मिक शांति यहाँ पे महसूस होती है, अपने आप में मौन रहना। पर्वतों में ना जब बहुत हाई अल्टीट्यूड पे आते हैं तो वो आदमी अंतर्मुखी हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता, शांत रहना। एक तो पर्वत खामोश, ऊपर से यहाँ रहने वाले खामोश, और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मैं क्या बताऊं। सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन बादलों में घिरे पड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब दिखते हैं ऐसा लगता है कि इस प्रकृति की, इस धरा का जो खूबसूरती है यही है और कहीं नहीं है। तो चूंकि भगवान शिव की कृपा से मुझे ज्योतिष का क्षेत्र मिला हुआ है, कर्म क्षेत्र, और पर्वतों का भी साथ मिला हुआ है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भगवान शिव की देन है पर्वतों की, यह माता पार्वती का क्षेत्र बोला जाता है। पर्वत जो पर्वत है ये माता पार्वती के क्षेत्र अधिकार में आता है, क्योंकि पर्वत पुत्री, हिमालय पुत्री या पर्वत पुत्री पार्वती है, और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। हर कोई नहीं पहुंच पाता यहाँ पे, और अगर कोई ऐसे उलूल जुलूल मन में कोई ऐसी गलत भावना लेके आता है, वो कभी भी यहाँ से सही वापस नहीं जाता, ये पर्वतों के बारे में कहा गया है। और कहते हैं कि जब तक माता पार्वती की कृपा ना हो तब तक शिव का सानिध्य मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति है, शिव की शक्ति वही है और उनका सानिध्य आवश्यक है। अगर वो नहीं,
उनकी कृपा नहीं तो शिव की भी कृपा नहीं। तो पर्वत की धरती और पर्वत माँ भगवती पार्वती का अधिकार क्षेत्र है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ यहाँ होता है। तो पर्वतों में बिना माँ पार्वती के कृपा के कोई आ नहीं सकता। और मैं हमेशा सावन का महीना चुनता हूँ कि सावन में पर्वतों में समय बीते, भगवान शिव के सानिध्य में बीते, भगवान शिव का मनन हो, जाप हो, एक उनका चिंतन होता रहे मन में, यही चाहिए। शिवमय है और इन पर्वतों के दर्शन करवाते हुए मैं यही कहूँगा, ये पार्वती वैली का दर्शन कर रहे हैं। पार्वती वैली में हम हैं इस टाइम, कलगा जगह है और ये पार्वती वैली है, चारों ओर से बाउल की तरह है, बीच में ये जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा, श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, माँ पार्वती की कृपा सब पर रहे, भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे और ये पर्वतों का भी सानिध्य बना रहा है, क्योंकि पर्वत जीवन है, पर्वत नहीं तो जल नहीं और जल नहीं तो जीवन नहीं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमस्कार।